मैं अपनी महाराष्ट्र सरकार से, खास तौर से आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहता हूँ कि शहरों का नाम बदलने से कोई उन्नति, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी का पेट नहीं भरने वाला है। कहते हैं पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। बहुत ज़मीन है, दो चार नए ज़िले बना दीजिए, नाम हो जाएगा आपका। आप पुराने शहरों को, औरंगाबाद की एक हिस्ट्री है, अहमदनगर की एक हिस्ट्री है, इनको बदल करके आप नाम रखना चाहते हैं, तो अगर महाराष्ट्र में नाम रखना है तो आपको सबसे पहले महाराष्ट्र का नाम अगर बदल करके आप उसको शिवाजी महाराज के नाम पर कर दीजिए, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र राष्ट्र कर दीजिए। आपको संभाजी महाराज के नाम पर करना है तो आज जो है रायगढ़ में शिवाजी महाराज की हुकूमत थी, संभाजी महाराज की राजधानी थी, तो रायगढ़ का नाम चेंज करके संभाजी महाराज रख दीजिए, सब खुश हो जाएंगे, कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई यहाँ से। लेकिन आप ज़बरदस्ती एक कमजोर चीज़ उठा करके, एक हिस्ट्री को मिटा करके, यहाँ के रहने वाले थोड़े से लोगों को चिढ़ा करके नाम बदलना, मुझे लगता है कि ये आपको शोभा देता नहीं। अब ये काम ये बंद कीजिए। और महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे दुनिया के लोग आते हैं, महाराष्ट्र में उन्नति कीजिए, महाराष्ट्र को और बढ़ाइए आगे, नए नए ज़िले बनाइए, तो लोग तालियां बजाएंगे आपका। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह से ये घटिया काम, लोगों के साथ मुस्लिम हिंदू के नाम पर लोगों को छेड़ना और इस तरह नाम बदलना, मुझे लगता है कि उद्धव जी आपको ये शोभा बिल्कुल देता नहीं। मैं मतलब भैया औरंगाबाद के नामकरण को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में विवाद चल रहा है, तो ये विवाद ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो कांग्रेस पार्टी सपोर्ट भी निकाल सकती है और उद्धव ठाकरे की सरकार भी गिर सकती है। उद्धव ठाकरे की सरकार यदि गिर जाएगी तो नरेंद्र जो हमारी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आ जाएगी और हम महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे। जैसे अभी आपने